साथ आइए रुक करते हैं आज की खबर। रानीपुर नजाई बाजार में आज समाजवादी पार्टी का सम्मान समारोह एवं लोकगीत व लोक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की कटु आलोचना की और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह शासन में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहे कि जितने कार्य समाजवादी पार्टी के शासन में मऊरानीपुर क्षेत्र में पूर्व विधायक डॉ. रश्मि आर्य पप्पू सेठ द्वारा कराए गए हैं वो सबके सामने है। आयोजित कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि डॉ. रश्मि आएंगी। पप्पू सेठ तथा समाजवादी पार्टी नेताओं का आयोजक समिति के पूर्व नगर अध्यक्ष राम किशोर कुशवाहा भगत जी, सभासद चंद्र प्रकाश सिटेलिया, हीरालाल खोया, राम कुमार बमूरिया, महेंद्र लांगिया, महेंद्र खरका, धर्मेंद्र खरका, चांद खान द्वारा माल्यार्पण का स्वागत किया गया। अपने संबोधन में पूर्व विधायक डॉ. रश्मि आर्य पप्पू सेठ ने कहा कि जीवन में संघर्ष जरूरी है, यदि संघर्ष न करते तो मऊरानीपुर में ओवरब्रिज नहीं बनता। ओवरब्रिज के बन जाने से आवागमन में लोगों को परेशानी नहीं करना पड़ती। उन्होंने खुद का नहीं क्षेत्र का विकास किया है, जो काम 50 वर्षों से नहीं हुए 5 वर्षों में करा दिए गए। उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ी है, जनता साथ देती है। उनके कार्यकाल में उनके ऐतिहासिक अनेक कार्य किए हैं। रश्मि आर्य पप्पू सेठ ने रानीपुर गोद लेने का ऐलान करते हुए कहा है कि सपा सरकार बनने पर वो बुनकरों व रानीपुर नगर की ज्वलंत समस्याओं का निराकरण करेंगे तथा मऊरानीपुर की भांति यहां सुकनई नदी पर घाटों का निर्माण कराएंगे, क्षेत्र के अधूरे कामों को पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। कार्यक्रम में सभासद चंद्र प्रकाश सिटेलिया, विनीत क्षेत्रीय, जान मोहम्मद मंजूरी, महेंद्र लांगिया, मानवेंद्र सिंह शीलू आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व नगर अध्यक्ष रामकिशोर कुशवाहा भगत जी, हीरालाल खोया सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। मैंने जो भी विकास के काम कहे वो उन्होंने काम कराने का काम किया। इसी के साथ साथियों में कहूंगी कि मैंने अपने जीवन में संघर्ष बहुत किया है। आप लोगों ने मुझ पर अपना भरोसा किया था, मुझ पर, जिसकी वजह से मैं जब लखनऊ जाती थी तो एक संघर्ष की उससे सोच कर जाती थी कि मुझे आगे जाके संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र का विकास कराना है तो संघर्ष करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से इस विधानसभा में विकास हुआ है। साथियों मैं कहूंगी कि यदि मैं संघर्ष नहीं करती तो शायद ये ओवर ब्रिज नहीं बन पाता, क्योंकि साथियों जब मैं ओवर ब्रिज का काम लेके ऊपर गई थी तो कई ऐसे पार्टी के नेता हैं जो उसमें टांग अड़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन उनकी मेरे को समझ में आ गया। उसके बाद भी मैंने ऑफिस में जाके उन अधिकारियों से लड़ाई करके मैंने ये काम कराने का काम किया। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी साथियों कि सन 2017 में शायद आप लोगों से गलती हो गई। मैंने ये पर्टिकुलर आप लोगों से नहीं कहूंगी कि आप ही लोगों ने वोट डाला था, लेकिन शायद ये गलती की वजह से अभी जो प्रेजेंट के विधायक हैं, जो आप जानते हैं कि कौन है, उन्होंने आपने उन पर विश्वास जरूर कर लिया साथियों, लेकिन उन्होंने आपके लिए संघर्ष नहीं किया, उन्होंने खुद के विकास के लिए संघर्ष किया है साथियों। वो बांध का काम करते हैं अपना मकान बनाने के लिए साथियों, थाने में भी जाके अपनी सेटिंग कर रखे, वो आपके लिए, आपका कोई विवाद का काम आता है तो आपके लिए काम नहीं करते हैं, वो खुद के पैसे उगाने का काम करते हैं। तो मैं बस इस मंच के द्वारा आप लोगों से बस इतना निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अभी खुद को अगर विकास करना है, खुद के जीवन का अगर अच्छा भविष्य बनाना है और अपने क्षेत्र का विकास करना है, अपनी विधानसभा का विकास करना है, तो निश्चित ऐसे व्यक्ति को अपना बहुमूल्य वोट दीजिए जो अपने खुद का विकास न कराते हुए अपनी जनता का विकास कराए। साथियों चूंकि मैंने आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।